राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला संक्षिप्त बुद्ध चरित्र। प्रस्तुत है इस श्रृंखला का दूसरा भाग। पहले भाग में आपने सुना कि सैकड़ों वर्ष पहले एक थे कपिलवस्तु के राजा शुद्धोदन, उनकी एक रानी थी महामाया। महारानी महामाया ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया सिद्धार्थ। पुत्र के शरीर पर विभिन्न दिव्य चिन्हों को देखकर ज्योतिषियों ने बताया कि नवजात शिशु बड़ा होकर संसार को मार्ग दिखलाएगा और उसे वन गमन में प्रस्थान के पश्चात बुद्धत्व की प्राप्ति होगी। आइए अब सुनते हैं इससे आगे की कहानी। इस भाग का शीर्षक है अंतःपुर विहार। महाराज शुद्धोदन के पुत्र के जन्म का कुछ ऐसा प्रभाव हुआ कि उनका घर धन धान्य और हाथी घोड़ों से संपन्न हो गया। उनके सभी मनोरथ सफल हो गए। उनके जो शत्रु थे वे मध्यस्थ हो गए, जो मध्यस्थ थे वे मित्र हो गए, और जो मित्र थे वो और भी अधिक प्रिय हो गए। महाराज शुद्धोदन के राज्य में धार्मिक जनों ने स्वर्ग जैसे सुंदर उद्यान, देव मंदिर, आश्रम, कुएं और तालाब बनवाए। राज्य में किसी ने धन के लोभ के लिए धर्माचरण नहीं किया और धर्म के लिए किसी प्रकार की हिंसा नहीं की। इस तरह उनका राज्य चोर शत्रु आदि के भय से मुक्त, स्वतंत्र और धन धान्य से संपन्न हो गया। सूर्यपुत्र मनु के समान इस राजा के राज्य में बालक के जन्मकाल से ही सर्वत्र प्रसन्नता छा गई, पाप नष्ट हो गए और धर्म प्रकाशित हो गया। इस बालक के जन्म से ही राज्य और राजकुल में संपत्ति आई और सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हुई। इसीलिए राजा ने बालक को सर्वार्थ सिद्ध कहते हुए उसका नाम सिद्धार्थ रखा। महारानी माया अपने पुत्र का देवर्षियों जैसा प्रभाव देखकर अतिशय प्रसन्न थी, पर इस आनंदातिरेक को वो अधिक दिनों तक सह न सकी और कुछ ही दिनों में स्वर्गवासी हो गई। माता के स्वर्गवासी होने पर मौसी गौतमी ने उस बालक का अत्यंत स्नेहपूर्वक लालन पालन किया। बालक उदयाचल पर उदित सूर्य के समान, वायु प्रेरित अग्नि के समान तथा शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान धीरे धीरे बड़ा होने लगा। सगे संबंधियों और मित्रों ने बालक को अनेक उपहार दिए। किसी ने बहुमूल्य चंदन के खिलौने दिए तो किसी ने मोतियों की माला दी, किसी ने सोने के रथ तो किसी ने सोने चांदी की रंग बिरंगी पुतलियां दी। इस प्रकार बालक सिद्धार्थ विविध प्रकार की बाल क्रीड़ाएं करते हुए बड़ा होने लगा। बालक सिद्धार्थ अत्यंत मेधावी था।
जिन विद्याओं को सामान्य बालक वर्षों में सीखते हैं उनको उसने कुछ ही समय में सीख लिया। इस प्रकार विद्याभ्यास करते हुए सिद्धार्थ ने किशोरावस्था पूरी की और वो युवावस्था की ओर बढ़ने लगा। महाराज शुद्धोदन को महर्षि असित द्वारा की गई भविष्यवाणी याद थी कि ये बालक बड़ा होकर मोक्ष प्राप्ति के लिए वन की ओर प्रस्थान कर सकता है। ये कुमार विषयों से विरक्त होकर राज्य को त्याग कर सांसारिक मोह के अंधकार को अवश्य नष्ट करेगा। ये कुमार विषयों से विरक्त होकर राज्य को त्याग कर सांसारिक मोह के अंधकार को अवश्य नष्ट करेगा। इसीलिए उन्होंने अंतःपुर में ऐसी व्यवस्था करवाई जिससे सिद्धार्थ की आसक्ति सांसारिक विषयों में बढ़े और वो भोग विलास में इतना लिप्त हो जाए कि उसे किसी प्रकार का वैराग्य ना हो और वो राज महलों में रहकर भोग विलास में डूबा रहे। इसी विचार से राजा शुद्धोदन ने सिद्धार्थ का विवाह करने का निश्चय किया और इसके लिए उपयुक्त कन्या की तलाश शुरू की। अंत में उन्होंने यशोधरा नाम की सुंदर कन्या का चयन किया और फिर बड़े उत्साह से उसका विवाह कुमार के साथ कर दिया। विवाह के बाद राजकुमार सिद्धार्थ और यशोधरा सुखपूर्वक वैवाहिक जीवन बिताने लगे। महाराज शुद्धोदन ने राजमहल में ऐसी व्यवस्था की थी कि राजकुमार राजमहल में ही रहे, भोग विलास में तल्लीन रहे और ऐसा कोई दृश्य उसके सामने ना आए जिससे उसके मन में वैराग्य उत्पन्न हो। राजमहल में राजकुमार सिद्धार्थ सुंदर स्त्रियों के नृत्य, गान तथा वीणा वादन आदि का आनंद लेते रहे। सुंदर स्त्रियों के साथ राजकुमार ऐसे तन्मय हो गए कि राजमहल से बाहर निकलते ही न थे। राजकुमार को भोग विलास में तल्लीन देखकर राजा बहुत प्रसन्न थे, इसीलिए उन्होंने और अधिक दान दिए। परंतु राजकुमार सिद्धार्थ विषय सुखों में आसक्त नहीं था। उसने चपल घोड़ों जैसी इंद्रियों को वश में कर लिया था। उसने अपने गुणों से सारे राज परिवार और पुरवासियों के मन को जीत लिया था। राजा शुद्धोदन राजकुमार के क्रियाकलापों से अत्यंत प्रसन्न थे। यशोधरा के साथ राजकुमार सिद्धार्थ के विवाह के कुछ समय बाद उन्हें चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाला पुत्र प्राप्त हुआ। उसका नाम राहुल रखा गया। राजा ने बड़े उत्साह के साथ अपने पौत्र का जन्मोत्सव मनाया। उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि उनके वंश का विस्तार होगा। जैसे वे अपने पुत्र से प्रेम करते हैं वैसे ही उनका पुत्र भी अपने पुत्र से प्रेम करे, इस अभीष्ट पूर्ति के लिए उन्होंने अनेक धार्मिक अनुष्ठान किए। संक्षिप्त बुद्धचरित। इस श्रृंखला के अंतर्गत अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। मूल कथा महाकवि अश्वघोष, आलेख प्रोफेसर माणिक गोविंद चतुर्वेदी, सहयोग प्रोफेसर अनिरुद्ध रॉय, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, कलाकार मंजू मैनी और जैमिनी कुमार,
तकनीकी नियंत्रण पुष्पलता कुमार, तकनीकी समन्वय सतीश लाड़े, ध्वन्यांकन अमिता भट्टी, सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा।